विश्वनाथ कड़ाई पे खड़ा है, उसे तय करना है कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो किसी किसी बात में जा सकता है। दो अप्रैल को जो भारत बंद का ऐलान किया गया, किसी एक व्यक्ति एक संगठन के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि केवल आह्वान हुआ और जो जहां हुआ वो उसमें सम्मिलित हुआ, भारत बंद में सम्मिलित हो गया। ये एकता दिखाई। बाबा साहब ने जब कहा था संगठित हो, मैं कभी सोचता हूँ कि बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियों के लिए कहा था, भले ही कोई एक व्यक्ति लीड करने वाला ना हो, भले ही कोई एक संगठन लीड करने वाला ना हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान भर एक आवाज पर इकट्ठे होकर दलित समाज की समस्याओं का हल करने के लिए, उसमें आक्रोश व्यक्त करने के लिए, उसमें गुस्सा व्यक्त करने के लिए, सरकार का जो उसका विरोध करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए। आज तो 20 मार्च 2018 को कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हिसाब से अपराध एक है लेकिन कानून अलग हो गए, दो हो गए। एक दलितों के लिए कानून और एक सामान्य वर्ग के लिए कानून। सामान्य वर्ग के लिए है अगर कोई रिपोर्ट होती है तो अपराध होता है, सूचना दी जाती है, सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, इसलिए एफआईआर कहा जाता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसके आगे फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन दलित अगर कोई अपनी रिपोर्ट लिखा ले जाएगा, वो कहेंगे कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, पहले डिप्टी एसपी रैंक का असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रैंक के अफसर वो उसकी प्रिलिमिनरी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वो सही समझेंगे तो रिपोर्ट दर्ज होगी, नहीं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ये कौन सा कानून है? और इसी तरह से गिरफ्तारी के बारे में, गिरफ्तारी में सामान्य भी एक रिपोर्ट अगर दर्ज हुई है, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लगता है कि हाँ अपराध हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी, लेकिन अनुसूचित जाति खड़े हैं पहले देख तो लो यार, अनुसूचित जाति के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर दी गई, नहीं गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी, और अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से परमिशन ली जाएगी, और जो बाकी लोग हैं एसएसपी से, जो सामान्य कानून है, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अगर अपराध में कोई पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अनुसूचित जाति के द्वारा लिखाई हुई रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये उन्होंने व्यवस्था की। और जमानत के बारे में, जमानत के बारे में भी इसी तरह से कह दिया कि उस अपराधी को बताया जाएगा कि क्या उसने अपराध किया है, और जुडिशरी पहले जमानत देने से पहले वो समीक्षा कर लेगी अपराध हुआ कि नहीं हुआ। हमें जो ताजुब है, अगर सब कुछ ये हो जाएगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी, जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाएगी, तो फिर मुकदमा क्या चलेगा और उसमें गवाही क्या होगी, फैसला तो वो पहले ही करे जा रहे, तो ऐसा दुर्भाग्य की बात है। और ये कहा गया, अफसोस की बात यह है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा, क्योंकि बहुत सारे मुकदमों में अपराधी बरी हो जाते हैं, इसलिए ये आशंका है कि ये झूठे मुकदमे हैं। अरे यही तो हमारी शिकायत थी कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, हमारी शिकायत थी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, हमारी शिकायत थी कि उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही, हमारी शिकायत थी कि कोर्ट में विलंब होता है, 10-20 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह मामले छूट जाते हैं, हमारे जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, जो गवाह है उनको खरीद लिया जाता है, जिसकी वजह से मामले छूट जाते हैं। जो हमारी शिकायत थी उसी को हमारे खाया गुनाह माना गया, कितने अफसोस की बात है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐसे नहीं बात किया करते, वो सरकार से पहले पूछते हैं कि क्या कहा जाए कोर्ट में, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सर्कुलर कोर्ट में कहा गया, और फिर उन्हीं के इशारे के ऊपर न्यायालय को गुमराह करते हुए और इस तरह का आदेश पाया गया और कहा गया कि इस एक्ट का मिस यूज होता है। अरे हम तो ये कहते हैं इसका यूज ही नहीं होगा,